नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज शक्तिदत्त शर्मा, जो विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे। शक्ति, आपका स्वागत है। वेल, 2008 में जो लैंड रो हुआ था, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा रोल रहा था, और उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीरी नेताओं का, कश्मीरी बेस्ड पोलिटिकल पार्टीज का क्या रोल था। आज भी जब पहली बार बीआरओ की गाड़ी गुफा तक पहुंची है, तकलीफ शुरू हो गई है। और उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। शक्ति जी, क्या कहेंगे? विनोद जी, आपने पहले एक रेफरेंस दे दिया 2008 का। मैं तो ये कहने वाला हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी कोई इसमें प्रदूषण के मामले में, पोल्यूशन में कोई डॉक्टर नहीं है। ये तो उनको पुराना जख्म बेचारों का हरा हो गया, क्योंकि अपनी जो करनी है ना, अपनी जो कथनी है वो आगे आती है। उमर अब्दुल्ला जी ने 2008 में कहा था कि हम आपको एक इंच जमीन नहीं देंगे, और उसी से सारा बवंडर हुआ जी। भाई, आप लोग जमीन नहीं देंगे, आप लोग कौन है मैंने जमीन देने वाले, हम एक इंच जमीन नहीं देंगे, उसी से ये सारा आंदोलन उपजा। मतलब ऋषि कश्यप की धरती, सनातन की धरती, और तुम लोग आज ये कह रहे हो कि हम अमरनाथ यात्रा के लिए जगह नहीं देंगे। वही उनका जो कहना था वो आज एक फिर जो जख्म कुरेदा गया है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय क्या कहिए, कि यूनिवर्सल यात्रा है वो। और आज वहाँ पर एक गाड़ी चली गई, पहुँच गई, एक साधन बन गया है। तो मुझे लगता है कि कोई बालटाल से बहुत यात्रु जाएंगे, तो एक साधन बन गया। कोई सामान पहुंचाना है, कोई ट्रैप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पहुंचती हैं, कोई आपदा आ जाती है तो वो वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज इनका प्रदूषण आ गया, डल लेक सारा कवर कर लिया, जितनी पहाड़ियाँ, जितनी ब्यूटीफुल वहाँ पर वो नेचर थी, वहाँ पर इनके मंत्रियों ने अपने अपने बंगले बना लिए, तब वहाँ पोल्यूशन नहीं हुआ, तब वहाँ जो उनका जो एक एनवायरनमेंट खतरे में नहीं पड़ा। लेकिन बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, हिंदुस्तान के फुटस्टेप वहाँ पर पड़ेंगे, ये इनको तकलीफ हो रही है। इतना ही मरोड़ है, बाकी कोई उससे कोई लेना देना नहीं है पर्यावरण से। लेकिन एक समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है, और आपने कहा कि रोड होगी, रोड कनेक्टिविटी होगी, तो जैसे वहाँ पर प्राकृतिक आपदा की बड़ी आशंकाएँ बनी रहती हैं, उस वक्त ये रोड बड़ी काम आएगी, लेकिन इनको चुभ रहा है। मैं पहले कहा कि ये लोग ना, देखिए, कुछ लोग जो पिशाच किस्म के लोग होते हैं, उनको नरहंस संहार मजा आता है। लोगों की कैजुअल्टीज हो, वहाँ तंबू नहीं हो, वहाँ ठंड में लोग मर जाएं, कभी इनका जो एक तो आसमानी हो गया, एक सुल्तानी कहर भी होता है इनका जी। जो सुल्तानी कहर बरपता है तो ये इसको बंगले में बैठ के नज़ारा देखते हैं। मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी, कभी बम ब्लास्ट कर दिए, तो कभी नेचुरल भी होता है, फ्लड आ गया, तो ये उस समय देखते हैं कि हाँ देखिए, ये हिंदुओं की यात्रा आई थी, आज देखिए इनकी क्या, मतलब उस समय के लिए जो एक वहाँ पर अच्छा साधन बन रहा है, इसको देखकर खुश नहीं होंगे ये लोग जी। इसलिए बन रहा है, यात्री वहाँ पर हजारों सालों से वहाँ पर जा रहे हैं और बिल्कुल वेक ऑफ होकर के, और कोई थकावट नहीं है, यात्रा जाने का एंजॉय करते हैं। पहलगाम से जाएंगे लोग, अपना नेचर एंजॉय करते हैं, सबको चिंता है नेचर की, इन्वायरमेंट की चिंता जिनको जितनी उनको है, इतनी हमें भी है, बाकी समाज को भी है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, एक साधन बनाया है। आपने ठीक कहा कि जो वहाँ पर एक त्रासदी होती है, ये उसमें काम आएगा। और मुझे लगता है कि आज एक मन प्रसन्न हो गया कि जो लोग कहते हैं कि 370 से क्या मिला, बम भोले की धरती पर जहाँ पर ये लोग कभी एक इंच जमीन नहीं देने वाले थे, आज परमात्मा ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि वहाँ गाड़ी पहुँचा दी है। शक्ति, मुझे याद है 2008 में मैंने ही स्टोरी ब्रेक की थी, उसके बाद ये बवाल हुआ था, लेकिन तब हमने इनके तेवर देखे थे कश्मीरी नेताओं के, किस तरीके से सीधे तौर पर कह रहे थे कि एक इंच जमीन नहीं देने देंगे। आज वैसा ही माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो जिस किस्म का किसी ने दुकान में सामान डाला है वो उसी की एडवर्टाइजमेंट करेगा। इनकी दुकानदारी इसी के ऊपर है कि इस हिंदुस्तान के प्रति एक नफरत का भाव रखा जाए, और अपने आप को आज भी लग समझते हैं ये।
ये इनका माइंडसेट ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भारत माता का एक हिस्सा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये हमारी पुष्टि यहाँ पर हुई बाबा अमरनाथ शंकराचार्य जी और माँ खीर भवानी। अरे ये इतिहास है हमारा, और आप लोग प्रभोग कर रहे हो कि देखो यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, वहाँ पर एक पर्यावरण खत्म हो जाएगा, तो ये बना करके एक हवा क्रिएट करने का। लेकिन मुझे लगता नहीं अब वो दिन लद गए हैं, अभी एक दो लोगों को छोड़ करके भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनके सेंटिमेंट्स को उजागर किए जाए, वो जख्म को रे दे जाएं। लेकिन समाज समझ गया है कि ये दुकानदारी बड़ी चला ली इन्होंने, अभी वो ग्राहक इनको मिलने वाला नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ये रिलीजन का कार्ड खेलते हैं, यानी धार्मिक कार्ड खेल करके अपनी सियासत करते हैं। बिल्कुल जी, ये मेरा मैं कह रहा हूँ नहीं, ये इनका जो विचारधारा है, जो माइंडसेट रहा है, इन्होंने आज तक विकास के नाम पर कभी ऐसा कोशिश की नहीं। कश्मीर के अंदर कुछ बोलेंगे, फारूक साहब कभी जम्मू में आएंगे तो चिमटा लेकर के और वो सत्संग करना शुरू कर देंगे, वो हमें बदला नहीं सकते। अभी इनका जो दिमाग है वही है, एक तरफा दिमाग है, फिरका प्रसी से भरा हुआ है, उसी की कमाई खाई है इन्होंने, उसी से कश्मीरी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन अभी ये समाज बनेगा नहीं। अब दूसरी बात यह है, अभी हिंदू समाज के अंदर एक अपना एक जागृति आ गई है, अभी जवाब देने की स्थिति में है, चाहे जम्मू में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, कश्मीर में हो। आज कश्मीरी पंडितों को अपना वो याद रहा है किस तरह से हमारा निर्वासन हुआ था जी, अभी पुराना हिसाब तो करना बाकी है जी। दो पार्लियामेंटेरियन से 303 यानी 303 तक आने में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी मदद की है, बावरी स्ट्रक्चर को घिराया है, मंदिर वहीं बनाएंगे, खैर आज मंदिर भी बन गया है। लेकिन आपने भी धर्म की राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दिया, पूरे मंच साझा किए, रथ यात्राएं निकलवाई। विनोद जी, ये धर्म की राजनीति कहेंगे तो फिर विषय भटक जाता है जी। अगर वो करें तो वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आपको राइट है। मैं कह रहा हूं जी, जी भगवान राम का मंदिर, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि अयोध्या के अंदर कभी ये किसी 6 साल के, 5 साल के, 7 साल के बच्चे को लेके आए, एक हिंदू होगा, एक मुस्लिम होगा, तो उनको ये पूछा जाए कि भाई अयोध्या के अंदर आपका क्या है, तो मुस्लिम बच्चे को पता ही नहीं है कि अयोध्या के अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही जो हिंदू समाज का किसी परिवार का बच्चा है तो अयोध्या यानी भगवान राम की जन्मभूमि, तो उस जगह पर भगवान राम का जन्म स्थान पर मंदिर बनने के लिए 500 साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी हमें, विडंबना है। मैं कहता हूं हमारे ऊपर एक लानत है ये कि संघर्ष किए समाज ने, चुप नहीं बैठा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई, कुछ सत्ताधारी ऐसे आ गए, लेकिन उसके लिए ये संतों ने किया और सिख समाज ने, सिख पंथ ने, निहंगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, संतों ने अपना बलिदान दिया, और फिर भिन्न प्रकार के, मैं नहीं कहता कि ये संघ ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, ऐसा नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने 84 के अंदर अपने आप में लिया, और उसके बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पालमपुर के अंदर का अधिवेशन हुआ उसमें कहा कि भाई राम मंदिर जो है ये हिंदुओं की आस्था है, तो उसके लिए उन्होंने एक पूरा रथ यात्रा निकाली। हमने उनका सहयोग नहीं किया, वो लगा कि ये विचार ठीक है तो हमने उसका, उसके लिए उन्होंने, यानी आप प्रत्यक्ष रूप से आपने उनकी हेल्प की, भारतीय जनता पार्टी की हेल्प नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सहयोग किया कि ये जो सनातन के वाहक हैं, ये राम मंदिर का जो एक पुनः एक वहां पर जो स्थापना है वो होनी चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी क्या करनी थी, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे में कूद पड़ी, उनको लगा कि क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो सनातन का, हिंदुस्तान का एक राष्ट्रवादी सोच उसकी है, अब राष्ट्रवादी होगा तो लोग उसको कहेंगे कि हिंदू समाज का है, सनातन यानी राष्ट्र, राष्ट्र यानी सनातन जी, तो ये उन पर लांछन लगता रहेगा, लगता रहे तो आगे बढ़ाता रहे कि यदि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। देखिए एक कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई ये कंट्रोवर्सी नहीं, पूरी स्पेस आपने बीजेपी को दी कि चलिए हम हिंदू को नाम लेते हैं, आप
सियासत करते चलिए। नहीं नहीं देखिए, वो सियासी पार्टी है, हम तो कहते हैं कि हमें कांग्रेस ने ये वाला मुद्दा क्यों नहीं लिया जी, कांग्रेस ले लेती तो इससे बेहतर होता। वो क्या विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस को भी उतना ही सपोर्ट करती? हमने सपोर्ट किया नहीं, इनको समाज ने सपोर्ट किया जी। जैसे उन्होंने मुद्दा ये वाला अपने हाथ में लिया कि हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और कांग्रेस कह देती तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्रदर्शन करती वो जी। लेकिन नहीं, उनकी विचारधारा ऐसी है, उनके अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण की एक कमाई खाना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कांग्रेस का संगठन था, उन्होंने कह दिया होता कि भाई मंदिर बनना चाहिए, तो मुझे लगता है उससे बेहतर प्रदर्शन करते वो। आज भारतीय जनता पार्टी को ये दिन नहीं मिलता। शक्ति जी, क्या आप ये बदलाव का संकेत मानते हैं जो गाड़ी वहां तक पहुंची है? नो जी, ये बदलाव ही है, और आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि उमर अब्दुल्ला ने कहा, और कुछ लोग छोटे मोटे और ही बोले होंगे, लेकिन वहाँ के समाज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई बहुत ज़्यादा खड़े होकर के नहीं सामने आ गए हैं कि वहाँ गाड़ी पहुँच गई है। ये बदलाव का संकेत है, वहाँ पर कश्मीर के अंदर लोगों को आज रोजगार मिल गया है, वहाँ विकास हो गया उनका, इसलिए क्यों बोलेंगे वो लोग? उनको लगा कि यार 70 साल हमें क्या कहते रहे ये लोग, ये इन लोगों ने अपना बच्चे अपने कहीं पढ़ रहे हैं, अपना पूरे भंडार भरे हुए हैं, और ये कब तक हम लोग इसको कहते रहेंगे? और कुछ शक्ति भी होती है, ये मानना पड़ेगा आपको कि शक्ति भी हुई है, विकास भी हुआ है, इसलिए ये बदलाव तो आएगा। कितनी देर चलता है ये तानाशाही? आज समझ आ गई है उनको, ये एक राष्ट्रीय सोच में भी बदलाव है जी। मैं शक्ति की बात करूंगा, और शक्ति से आपसे जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी दीगर जमातों का आरोप है कि सारे, बहुत सारे यूथ को आपने जेल में बंद करके रखा हुआ, इसीलिए कोई भी इशू को लेकर के बात नहीं उठती सरकार ने, आपने नहीं सरकार ने, जिसको आप शक्ति बोल रहे हैं। नहीं देखिए, कुछ लोगों का जो माइंडसेट रहता है ना, ये जेल में बंद करके रखा है तो कौन लोग हैं, मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने? कितने लोग जेल से बाहर आ जाते हैं जो आम क्रिमिनल हैं जी, वो तो जेल में हैं जी। जो एक आम कोई चाकूबाज है, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा कर दिया, वो तो जेल में है, लेकिन इन्होंने भी उतना कसूर किया है, हत्याएं की हैं, लोगों को धमकाया है इन्होंने, एक पूरी पूरी नस्ल को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है, एक देश के अंदर एक एंटी नेशन, एक कश्मीर को पूरा बर्बाद करने की कोशिश की है। तो जितना जहां का एक कत्ल करने वाला या किसी से फरौती मांगने वाला वो जेल में बंद है, इसी प्रकार से वो भी बंद होंगे, उनको कोई डेलिबरेटली करके रखा है, ऐसा नहीं है। शक्ति तो होगी भाई, जब राष्ट्र है तो राष्ट्र चलाना है, तो जो दंड है, राजदंड है, वो तो चलेगा। दो किस्म की चीजें हैं, एक बदलाव की भी बात कर रहे हैं, शक्ति की भी बात कर रहे हैं, ये दोनों कैसे चल सकते हैं? देखो, आपने दबा करके वहां पे, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आम समाज आज बोला नहीं, ये क्या है, समझ गया है, अमन आया नहीं, आपने थोप पाया उधर, नहीं 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 देखिए, ये फिर आप ये कहेंगे ना, मैं पहले ही कहा कि लोग विकास को समझ गए हैं, लोग इनकी जो एक 70 साल की, 23 सालों की कही आप, जो उन्होंने अपनी मनमानी ढंग से इनको इस्तेमाल किया, उसको समझ गए हैं, और समझ गए हैं कि आज जो सरकार है यहाँ पर वो ठीक से, तो इस प्रकार से अब जो शरारत तत्व हैं जिन्होंने इसी की कमाई खानी है, वो तो मैंने पहले भी कहा, जो बिहार के अंदर एक गुंडागर्दी है उसको बंद किया हुआ है, और कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही, हम उसको लाइटली लेते हैं कि जो लोग गलत करेंगे उनको जेल में रहना पड़ेगा। शक्ति, 5 अगस्त 2019 के बाद में आपको नहीं लगता है कि जब प्लान हुआ था, हिंदुओं के मंदिर गिराए गए थे, क्षतिग्रस्त किए गए थे, हाँ, अब उनको द्वारा निर्माण करने की जरूरत है, उनकी जो लैंड इंक्रोच की गई थी लैंड ग्रैबर्स द्वारा, वो वापस लेने का वक्त आ गया है, अगर आप बदलाव कहते हैं तो मुझे लगता है वापस लेना चाहिए। विनोद जी, मैं अभी आपने ये विषय लिया है जी, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर पुराने मंदिरों का रेनोवेशन हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से, कुछ वहाँ के संस्थाओं की तरफ से, और बड़े ज़ोरदार तरीके से, और ये बात ठीक है, जब वहाँ से पलायन हुआ तो उन्होंने बड़े जिसे दादागिरी के रूप में कहते हैं, उनको लगा कि अब ये हिंदू समाज वापस आने वाला है नहीं,
कश्मीर हमारा है तो ये उसको लेकर के, और मंदिरों की जमीन दबा ली, मंदिरों को खंडर बना दिया। अभी बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर उन्होंने, और मैं बधाई देता हूँ गवर्नर साहब को और केंद्र सरकार को कि इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने, और बहुत ही अच्छे मंदिर जो हैं दोबारा, और जिन लोगों ने वहाँ पर उनको खंडर कर दिया था पूरा, उनकी जमीन वापस आ रही है, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल रहा इसमें? क्या आपने आइडेंटिफाई किया कितने मंदिर है, कितनी लैंड है? और आपको ये भी पता होगा क्रीमेशन ग्राउंड की भी जमीन उन्होंने, क्योंकि हिंदू वहां पे रहे नहीं तो उस पर भी इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। अब देखिए, हर चीज विश्व हिंदू परिषद एक आंदोलनात्मक रूप में समाज के सामने करे कि ये हो गया, तो उससे कई बातें जो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर रखना होता है, ये हम लोगों ने ही नहीं सरकार ने भी किया होगा, लेकिन एक पूरा दबाव बना कर रखा, पूरी निशानदेही की उनकी, जो संगठन अपनी जो बाकी सहयोगी संगठन हैं उन्होंने कश्मीर के अंदर पूरा पैरा दिया इस बात का, जोरदार स्टडी की इसकी, और अब सरकार ने उस पर हमारी बात माननी भी है, और बहुत ज़्यादा सहयोग हमारा लिया उन्होंने, और हम जो सरकार को कहते गए कि ये ऐसा हुआ, तो ऐसा एक विश्व हिंदू परिषद क्या है, समाज है ना, तो हमारे समाज ने हमें ऐसा कहा और हमने बात पहुंचाई, क्योंकि एक प्लेटफार्म रहता है जी, तो हमारे पास प्लेटफार्म है, तो समाज जो बात हमें कहता है और हम समाज के अंदर एक जागृति पैदा करते हैं उसी के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार ने हमारा सहयोग किया है, हमारी बात माननी है, ऐसा हो रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान भी कुछ विश्व हिंदू परिषद ने सुझाव दिए थे, उन पर अमल किया गया? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। किस तरह के सुझाव? देखिए मुझे, एक तो जो यात्रा संबंधी, एक तो प्रथम पूजा अभी वहाँ भवन बनना शुरू हो गई है जी, नहीं तो पहले क्या होता था कि कहीं भी कभी विश्व मंदिर में पूजा कर दी, कभी चंद्रमाड़ी में कर दी, तो एक फिर बनाया गया कि क्यों नहीं भाई, यात्रा शुरू होनी चाहिए समय पर। तो अमरनाथ यात्रा अभी प्रथम पूजा जो है वहाँ होती है। एक बहुत बड़ी मांग ये थी कि जब भी कभी कोई ऐसी ट्रस्टी होती है, कभी ऐसा कोई आपदा आती है, तो ये जो यात्रु है इसका पूरा प्रेशर जम्मू के अंदर आता है, पूरे जो यात्रों को कभी स्कूल खोलो, कभी सभा सोसाइटियों को रिक्वेस्ट करो, तो वहाँ पर जमावड़ा होता था, फिर क्या है कोई सड़कों पर सो रहा है, इतनी व्यवस्था नहीं कर पाती सरकार। तो ये पिछले दो सालों से हमने डिमांड रखी कि इनके परमानेंट स्ट्रक्चर बनने चाहिए कहीं लखनपुर से लेकर के और पूरा गांधरबल तक जो भी है, और अभी इस दिशा में गवर्नर साहब ने और केंद्र सरकार ने जो कुछ लोग सहयोगी भी आए इसमें आए हैं आगे, तो वो अनंतनाग के अंदर, यहाँ सिद्रा के अंदर, अभी वहाँ पर एक सांबा के अंदर भी बनना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए परमानेंट स्ट्रक्चर। और जो रामगढ़ में बना है जी, वो तो लैंडमार्क है, दो यात्राएं उसने निभा दी हमारी, और वहाँ पर लगभग 3,500 लोगों की कैपेसिटी है, और उस दौरान भी एक आपत्ति कोई विपदा आई थी तो वहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा, और वो जम्मू के अंदर प्रेशर नहीं होता, कोई लाठीचार्ज नहीं होता, क्योंकि लाठीचार्ज होगा फिर अखबार में फोटो आएगा यात्रियों पर लाठीचार्ज, तो उसकी सिग्नल गलत जाता है, इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं, ये परमात्मा ने इतना किया है। क्या शक्ति आपको लगता है कि रोड बन जानी चाहिए और जो लंगर लगते हैं कैंप्स में लगते हैं उनको भी एक स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर? देखिए, इसी बात पर हुआ था कि क्यों ना दिए जाएं, मतलब जिन जो लंगर लगाने के लिए आते हैं उनकी आस्था है, वो कैसे कलेक्शन करते हैं, कैसे अपने से दान इकट्ठा करते हैं लोगों से, कोई अकेले व्यक्ति लगाता नहीं, सहयोगी होते हैं उनके, तो उनका जो 1,00,000 रुपया खर्च होता है तो वो 10,000 में लगेगा, कनेक्टिविटी होगी तो, खच्चरों का खर्चा, आने जाने का, लेबर, तो अगर यही उनका होगा तो यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। अभी देखिए, जहाँ भी कोई यात्रा अच्छी चलती है तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ती है, और कश्मीर लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है इससे जी। ये जो बड़े बड़े होटलों वाले हैं ना, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उन दिनों उनका काम जरा कम रहता है, इसलिए तकलीफ तो उनको भी होती है जी। लेकिन जो आम व्यक्ति है, खच्चर वाला है, फड़ी वाला है, ढाबे वाला है, कोई अभी थोड़ा एक मिनट समय देंगे हम उसके बारे में, जो कोई दिखाना, एक पंडित दिखाया 10 रुपये यहाँ से लिए, 20 रुपये यहाँ से लिए, एक किसी की जन्मपत्री मिलाई और बाद में उसको मंडप में बैठकर लात पड़ती हुई दिखाई देते हैं जी, और मंदिर के अंदर एक पुजारी बैठा हुआ है, कोई माता बहन वहाँ पर आई
और उसके साथ उसने बुरा भला करने की कोशिश की, और बाहर से एक पठान जा रहा है, एक मौलवी जा रहा है, वो आकर खड़ा हो जाएगा, अरे दुष्ट ये मेरी बहन है, जब तक मेरे जान में जान है इस पर मैं कुछ नहीं होने दूंगा, उसको हीरो बना दिया जी। जो एक तथाकथित दलित समाज है उसको ठोकरे मारता हुआ घोड़े पर बैठा हुआ क्षत्रिय दिखाएंगे, नाम क्या है, शक्ति सिंह, प्रताप सिंह, खड़क सिंह, वो उसको दलित को लातों से मार रहा है, उसको कुंगे पर भाड़ नहीं बनने दे रहा। जो कट दिखाया गया है वो कौन है, साहूकार, दोनों पर काम कर रहा है। हाँ, हमने यही देखा है, ये देखा ना जी, जी। तो ये कोई स्वाभाविक नहीं है, हम लोग इसको काफी देर तक समझ नहीं पाया समाज हमारा, लेकिन आज नहीं, वो बर्दाश्त नहीं होगा अभी जी। अभी हिंदू समाज हीरो है, वो फिल्मों में हीरो ही आएगा, अभी अभी वो दिन लग गए, अभी वो एजेंसियां पैसे लगाने वाली गई, अभी जो एक लड़का दिखाएंगे वो पिट्ठू वहां पर केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ यात्रा में जा रहा है, और हमारी एक ब्राह्मण बेटिया उसके चंगुल में आ गई, अरे क्या बात करते हो, पिट्ठू वाले के साथ जाएगी हमारी बेटिया, दिन लग गए वो वाले, अभी अभी समाज संस्कार हो रहा है, अभी ये सब होने वाला नहीं है। शक्ति, आखिर में ये सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे अपनी विचारधारा वाली सरकार जब दिल्ली में आ जाती है तो विश्व हिंदू परिषद का काम कन्फाइंड हो जाता है। नहीं नहीं, अभी आप कन्फाइंड मुझे पता नहीं कैसे कह रहे हैं, हमें तो जितना काम पालना था आज भी उतना ही करना पड़ रहा है, मैं जितने मुद्दे आपने लिए ये कौन कर रहा है, परिवार है, सहयोगी संगठन है, हमें तो इतने ही काम है, अभी भी पूरा समाज को जगा के रखना है। ये जो मुद्दे हैं, दस नौ सालों में, साढ़े नौ सालों में, पौने दस सालों में जो कुछ हुआ है, आपने दस मरतबा जम्मू बंद करवाना था, आप देखिए मोदी, जम्मू बंद कोई, मैं नहीं कहता कि हल नहीं होता किसी बात का, लेकिन कुछ बातें अभी हमारी सुन ली जाती हैं, कुछ दबाव भी बनाते हैं, लेकिन कुछ बातों का पहरा भी देना पड़ता है, तो इसलिए, लेकिन हमारे ऊपर इतना ही काम है आज भी, जिसे कहते हैं ना बहुत, जैसे आपने कहा कि ये जो लव जिहाद वाला, ये धर्मांतरण वाला, ये सरकार से नहीं होता, ये हमें समाज को जगाना है जी। समाज हमें, हम समाज के हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। घर वापसी के लिए कुछ खास विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ये तो प्रायोरिटी पर समझिए आप, जिस तरीके से अभी जो हमारे सहयोगी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद के है, धर्म जागरण मंच है, हिंदू जागरण मंच है, ये लोग बड़े पैमाने पर, लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी समाज सहयोग कर रहा है हमें, लेकिन अभी उनके प्रपंच जो है ना ज़्यादा हैं जी। अभी मैं देख रहा था कहीं भगवे कपड़े पहन करके वो घूम रहे हैं, चोटी रख के वो लोग आ गए हैं, अभी यीशु मसीह का उन्होंने एक शेषनाग अवतार बनाया हुआ है, मतलब उनको लगता है कि पंचवेद, एक पंचम वेद बना दिया उन्होंने जी, कि चार वेद पहले थे, ये पंचम वेद लोगों में जाते हैं, और कुछ हमारे जो, मैं नहीं कहता कि कुछ जो ऐसे तथाकथित त्रुटियां हैं उनको दिखाते हैं जी, लेकिन इसमें एक जो एक मनोज में कहूँ समरसता जो है ना, जिसे कि तथाकथित दलित कहा गया, कुछ अछूत कहा गया, अछूत हमारे समाज में था नहीं जी, महाभारत में, रामायण में अछूत कौन था, वर्ण व्यवस्था थी जी, लेकिन अब कुछ लोगों को दूर रखा गया है अगर, तो अछूत किस्म का वातावरण खत्म करना पड़ेगा, ये मैं सारे समाज को आह्वान करूंगा। मैं अभी आपके सामने ये पता नहीं कहूँ नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हम लोगों ने पहल की है कि ये शूद्र जो है ना कोई है नहीं, इसलिए जब तक ये नहीं होगा वो इसका फायदा उठाते रहेंगे जी। इसलिए एक मंदिर, एक शमशान, एक कुआं जी, इसको खुले दिल से हम लोग करेंगे, ये धर्मांतरण भी रुकेगा, और बाकी जो करने वाले हैं उनको थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, हम लोग सीधे करेंगे जरा। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए।